प्रणाम, जय गुरुदेव। एक साथ गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट महान आदर्श को साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेकयुक्त बुद्धि रहती है। विकृत महत्वाकांक्षा निम्नगामिनी होती है। इस आईने में जब मनुष्य अपनी तस्वीर देखकर उस ओर उन्मुख होकर दौड़ता है, तो परिणाम में उसकी स्थिति उस बाज की सी हो जाती है जो आकाश से मकान या धरती पर पड़े शीशे के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखकर उस ओर झपटता है, शीशे टकराकर घायल हो जाता है। विकृत महत्वाकांक्षाएँ मनुष्य को मृगचरिमा का की तरह भटकाती है। ये हवा के उस बवंडर की तरह है जो एक सूखे पत्ते को आसमान तक उठा देता है, लेकिन जो ही बवंडर नष्ट होता है, पत्ता धरती पर आ पड़ता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकयुक्त बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी है। कहीं उन्होंने हमें भुलावे में तो नहीं डाल रखा है, वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही है या पथभ्रष्ट कर रही है। किन्हीं प्रलोभनों के पीछे तो हम नहीं दौड़ रहे हैं, हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। ये सब विचारणीय है। महत्वाकांक्षाएँ यदि निष्कृष्ट स्तर की हो तो उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेयस्कर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएँ ही हो सकती है। अस्तु, जय महाकाल।